शिक्षा देखिए अपना क्वेश्चन नंबर है चार, गुणनखंड कीजिए। देखो अपना गुणनखंड की बात आती है जब प्रथम और अंतिम का संख्या का गुणा क्या हुई 2 × 3, पहली और अंतिम संख्या का गुणा है 2 × 3 कितने हो गए 6, 6 आते हैं अंक के 6। अब देखिए 6 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं और 6 के पहाड़े। सबसे पहले पहली और अंतिम संख्या का गुणा करें, ये जो अंक आता है वो देखना है किस किस के पहाड़े में आता है। अब करो 2 के पहाड़े में कब आएगा 2 × 3 कितने हो गए 6, इनको जोड़ो कितने आ रहे हैं 5, लेकिन हमें जोड़ने पर कितना चाहिए 7, कितना चाहिए 7, इसका मतलब ये सही नहीं। अब देखो 3 के पहाड़े में 3 × 2 कितने हुए 6, वे तो 6 लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस क्या आ रहा है 5, लेकिन हमें जोड़ने पर कितना चाहिए 7। अब देखिए 6 का पहाड़, 6 × 1 6 और 1 7, ये मामला बैठ गया, इन दोनों की जोड़ कितनी आ रही है 7 और गुणा करने पर कितना आ रहा है 6। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद इसका मतलब यहाँ अपन टुकड़े क्या करेंगे, देखिए अब इसको लिखेंगे क्या है 2x² 7 को लिखेंगे 6 × 6 6 और 1 7 7x² नहीं में प्लस का 3। अब इसमें से कॉमन ले लें 2 × 1 2 × 3 दोनों में क्या कॉमन आएगा 2, और यहाँ भी x पड़ा है यहाँ भी x पड़ा है, इसका मतलब कितने कॉमन लेंगे 2x, और इसमें से यहाँ बचेगा x 2 × 3 = 6 दो और x कॉमन आ गया सिर्फ क्या बचा प्लस का 3। गुणनखंड में क्या है आपको ये फैक्टर और यहाँ जो फैक्टर बनेगा वो समान बनाना, यहाँ कितना आया x प्लस 3 तो यहाँ कितना आएगा 1 x + 3। अब देखें x प्लस 3 दोनों में गुणनखंड कॉमन है तो बाहर ले लें x प्लस 3 बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचेगा 2x + 1, ये है इसका गुणनखंड। इसी का देखिए अगला क्वेश्चन, गुणनखंड में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। देखिए बेटा वही पहली और अंतिम संख्या का गुणा 6 × 6 माइनस का 36। अब देखिए 36 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 4 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा 9 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा डैश। सबसे पहले फर्स्ट और अंतिम का गुणा करें कितना है 36। अब ये देखा है 36 किस किस के पहाड़े में आ रहा है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है और 15 के पहाड़े, हमको कितना चाहिए 5, कितना चाहिए 5, 4 × 9 9 × 36 लेकिन 9 और 4 कितने हो गए 13, हमें 13 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 5। इसी तरह 6 × 6 कितने हो गए 36, दोनों को जोड़ो कितने हो गए 12, ठीक है, और जोड़ो या घटाओ तो देखो जोड़ा तब तो आए 11 13 और घटाओगे तब कितना आएगा 5, ये बैठ सकता है, ये देखो जोड़ने पर कितना है 36, घटाने पर कितना आया 0, दोनों को जोड़ने पर कितना आया 13, हमें 13 नहीं चाहिए, हमें कहते हैं चाहिए 5, तो घटा दो, जोड़ने या घटाने पर 9 में से 4 कितने बन गए 5, 9 में से 4 कितने बन गए 5, ये बन गया 5, तो आप ये लगा सकते हो। तो क्या होगा देखें इसको 6x² प्लस 9x माइनस 4x 9 × 36 गुणा करने पर 36 आ गए और घटाने पर कितने आ गए 5 माइनस का 6, वही दो पद में से कॉमन, इसमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है, या तो है 6 और या है 9, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं 3 के,
का दो